जीआरपी दुर्ग को मिली कामयाबी। मादक पदार्थ गांजा व शराब के विरुद्ध लगातार कार्य करने के तहत दुर्ग रेलवे स्टेशन के मालधक्का पानी टंकी के पास अंग्रेजी शराब की अवैध तस्करी करने वाले युवक को पकड़कर उसके पास से 84,000 रुपए कीमत की 382 नग व अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। दुर्ग जीआरपी पुलिस को सोमवार को मिली कामयाबी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर के निर्देशन में उप पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में ड्यूटी पर दौरान मुखबिर के द्वारा मिली सूचना से दुर्ग के मालधक्का पानी टंकी के पास रेलवे स्टेशन दुर्ग में एक व्यक्ति अवैध रूप से अपने पास अधिक मात्रा में अंग्रेजी शराब रखकर बैठा है की सूचना मिली। तस्दीक एवं वैधानिक कार्रवाई हेतु मौके पर स्टाफ गवाह एवं आरपीए पहुंचे, जहां मुखबिर द्वारा बताए हुलिये का व्यक्ति मिला। नाम पता पूछने पर अपना नाम स्वप्निल भटगरे सिद्धार्थ वार्ड पुराना रोड थाना वरोरा जिला चंद्रपुर का रहने वाला बताया। पूछताछ के बाद उसके कब्जे से 382 नग पौवा अंग्रेजी शराब कुल 68 लीटर जिसकी कीमत 84,000 रुपए बताई गई है जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस संबंध में दुर्ग जीआरपी प्रभारी आर के पांडे ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। आज मुखबिर से सूचना मिली कि मालधक्का के पास में पानी टंकी के पास एक व्यक्ति कुछ शराब रखे हुए है। इस पर से स्टाफ के साथ में हम लोग और आरपीएफ स्टाफ भी दोनों लोग चेकिंग में थे, पहुँचे वहाँ और जैसा इंडिया का व्यक्ति था वो मिला, उससे पूछताछ किए तो वो पहले आनाकानी करते हुए भी बताया कि ये शराब है। तो उसके पास से नाम पूछने पर वो स्वप्निल भटगरे, ये भंडारा चंद्रपुर जिले का है, सिद्धार्थ वार्ड पुराना बनी रोड बरोरा, ये चंद्रपुर जिले में पड़ता है, वहाँ रहने वाला है। इसके पास से 382 पौवा अंग्रेजी शराब मिला है। ये 68 लीटर 760 मिलीलीटर होता है, इसकी कुल कीमत करीब 84,000 रुपया है। किस पर की कार्रवाई कर रहे हैं? उसके बाद उसमें जो वैधानिक प्रक्रिया है उसको पूरी करके उसका अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करके उसको जुडिशियल ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।